हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है ये भिंडी मसाला। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे हम इसे ढाबे या रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका स्वाद आने वाला है। और इसकी खास बात तो ये है कि हम इसे घर के एकदम बेसिक मसालों से ही बनाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है और खाने के बाद तो आप इसका टेस्ट याद ही रखने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मेरे किचन में एकदम आसान तरीके से। देखिए, यहाँ पे भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल ले लिया है। तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब भिंडी ले ली थी। भिंडी को हम ज़्यादा बारीक नहीं कट करेंगे, बीच में से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे और इसके मीडियम साइज़ के पीसेस कर लेंगे। अब हम ये भिंडी तेल के अंदर ऐड कर लेंगे और इसे हमें फ्राई कर लेना है। इसे हम पूरी तरह से फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा भिंडी का कलर चेंज हो जाए हम इतना ही इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से भिंडी फ्राई करने से मसाले में जाने के बाद भी भिंडी हमारी चिकट नहीं बनेगी, तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस तरह से आप भिंडी को ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने भिंडी को हटा दिया है। अब मैंने उसी कढ़ाई में हम लोग 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें 1 डंडी कड़ी पत्ता ऐड कर लेना है। कड़ी पत्ते से मसाले के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैंने यहाँ पे 2 प्याजों का पेस्ट ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और प्याज का कच्चापन जाने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 5 मिनट के लिए हमें प्याजों को अच्छे से भून लेना है। देखिए, 5 मिनट तक आपको प्याजों को भून लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टमाटर की प्यूरी ऐड कर लूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर और प्याज का कच्चापन जाने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, 5 से 10 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे ताकि प्याज और टमाटर का कच्चापन निकल जाए। मैंने इसे स्लो आँच पर पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब हम इसे भी टमाटर और प्याज के साथ भूनने के लिए रख देंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है उसकी स्मेल ना आए। ये देखिए, हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है। घर के बेसिक चीज़ों से ही बनके तैयार होने वाली ये रेसिपी है और खाने में ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतने आप इसके अंदर मिर्ची पाउडर ऐड कर लीजिए। साथ ही में मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डाल दीजिए आप स्वाद अनुसार और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये सब पाउडर मसाले तो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, बस हमें उसका ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हम वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
फ्राई करते समय भिंडी हमारी 50% तक कुक हो गई थी। ये देखिए मैंने मसाले में अच्छे से भिंडी को मिक्स कर लिया है। मसाले का कच्चापन भी निकल गया है और भिंडी तो हमारी 50% कुक थी, बस हमें इसे और 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए मैं इसके ऊपर एक प्लेट ढक दूंगी और ठीक 10 मिनट बाद हम इसे खोल के देख लेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं तो तेल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। लगभग हमारा भिंडी मसाला बन के तैयार हो गया है। देखिए दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। जब भी ये रेसिपी बनाते समय अगर तेल ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपकी रेसिपी तैयार है। अब हम इसके अंदर एक अलग टेस्ट लाने के लिए इसके अंदर हम मेथी को ऐड करेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो ले लीजिए, और अगर आपके पास मेथी की पत्तियाँ हैं तो आप एक मुट्ठी पत्ते काट के डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कसूरी मेथी थी इसलिए मैंने वही ले ली है। ये देखिए कसूरी मेथी को हम अच्छे से क्रश करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं